विद्यार्थी मित्रों, नोबल स्कूल और वासुदेव विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 क्लास हिंदी लेक्चर नंबर 16 पार्ट 5 सवाल 22 मन के जवाब डॉक्टर कलाम। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ की शुरुआत में मैंने 3 लेक्चर से शुरू की, आज इसका मैं चौथा लेक्चर ले रही हूँ और आगे की बात जो क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। और प्रश्नकर्ता कौन है इसमें प्रश्न और डॉक्टर कलाम उसका उत्तर दे रहे हैं। विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे तो अगले प्रश्नकर्ता है एस कार्तिक, उसका नाम है एस कार्तिक। 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु, 12वीं कक्षा का वो विद्यार्थी है। उसका प्रश्न है कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य मतलब के मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं बड़ा होकर ये बनना चाहूंगा, ऐसे लक्ष्य होते हैं। पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। आर्थिक मतलब के कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पैसे नहीं होते, कोई भी दूसरी परेशानी आती, उस कारण वो अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो वो अपना लक्ष्य कामयाब होने के लिए, आगे की पढ़ाई करने के लिए कैसे प्रयास करें, मतलब कि अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, ऐसा प्रश्न इस विद्यार्थी ने अब्दुल कलाम से पूछा है। उसका उत्तर डॉक्टर कलाम ने ये दिया है, स्कूल में पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। कक्षाओं में, शाला में, पढ़ाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, उनको स्कॉलरशिप मतलब ये शिष्यवृत्ति, छात्रवृत्ति उसे हिंदी में बोलते हैं, हम शिष्यवृत्ति भी बोलते हैं, तो वो उसे प्राप्त होती है। साथ ही उच्च कक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्र भी बनेंगे। अगर स्कूल में स्कॉलरशिप अच्छा विद्यार्थी है, आगे पढ़ाई के लिए करने के लिए उसे पैसे कहीं से उसके माँ बाप नहीं जुटा पाते, तो स्कूल में शिष्यवृत्ति गवर्नमेंट की ओर से मिलती है, तो वो स्कूल में उसे फॉर्म भराया जाता है, उसे मिलती है। और आगे की पढ़ाई के लिए उसे बाहर जाना होता है या बड़ी बड़ी फीस देनी होती है, तो उसे बैंकों से ऋण मिला करता है, मतलब कि बैंकों में से पैसा लेकर पढ़ाई कर सकता है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर ही बाधा तो आती है। अगर हम ऊंचा लक्ष्य रखे, कामयाबी पाते हैं, पाने के लिए प्रयास करते हैं, तो मुसीबत बाधाएं मुसीबत तो आती है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना है। कठोर परिश्रम मतलब कि खूब मेहनत कर, उत्कृष्ट कार्य के अच्छे से अच्छा कार्य करके इन्हें पराजित करना है, मतलब कि आगे बढ़ना है। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। विघ्न आए, मुसीबत आए, कोई भी बाधा आए, इसे हमें और हरेक व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है आगे का, मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AITC अमृतापुरी, इसका प्रश्न है भारत को विकसित राष्ट्र बनने में राजनीतिक की क्या भूमिका हो सकती है? भारत को विकसित राष्ट्र बनने में राजनीतिक जो पॉलिटिक्स है उसकी क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, जिम्मेदार राजनीति दूरदर्शिता पूर्वक नीतियां बनाता है। जिम्मेदार राजनीति मतलब कि उसे देश की सेवा करनी होती है और देश के लिए कुछ करना हो, वैसा जिम्मेदार कि जो सुलझा हुआ हो, उसे दूरदर्शिता पूर्वक मतलब कि आगे की वो सोचता है कि आगे के समय में भी क्या कर सकता हूँ, तो अच्छी तरह से ये हो पाएगा, तो वो उसको सोचना पड़ता है और नीतियां भी बनाती है, मतलब कि आगे मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे आगे बढ़ने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए उसे नीतियां भी बनानी पड़ती है। महात्मा गांधी जी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांतों को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई जीती। हवे आगे महात्मा गांधी जो थे उसने राजनीतिक सिद्धांतों से, उसका एक सिद्धांत था कि हिंसा नहीं करना, अहिंसा, सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ। सत्य हमेशा बोलते थे वो अहिंसावादी थे और
निज मत, मतलब कि कोई भी वो कार्य करे इसमें उसका साथ नहीं होता था। इसीलिए गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को हमारे देश से निकाला और उसके सामने एक लड़ाई छेड़ दी। वर्तमान राजनीतिकों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों में मार्गदर्शन देना होगा। आज के जो नेता है, वर्तमान परिस्थिति में जो नेता है, उन लोगों को खूब मेहनत करनी पड़ेगी, उत्कृष्ट कार्य मतलब के अच्छे से अच्छा कार्य करना पड़ेगा, पारदर्शिता के सब लोग एक है ऐसी पारदर्शिता रख के आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही गरीबों, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। और साथ ही साथ जो भारत में गरीब लोग है, 26 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग है, उसके लिए उत्थान मतलब उसको अच्छी जिंदगी मिले, उसके लिए भी उन्हें कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सिंह नंदिता सुबी तृतीयवास MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई, उसका प्रश्न है, कक्षा की दृष्टि से विजन 2002 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? जिस समय बातचीत की गई है, जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति थे उस समय की ये बात की गई, तो उसका प्रश्न है 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोगी एक क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकताओं के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2002 का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय सुरक्षा, पूरे देश की सुरक्षा, पूरे हमारे जो देश की बॉर्डर है उसकी सुरक्षा का भी कोई ना कोई कार्य किया गया है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुषों और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सशस्त्र सेनाओं में जो सेनाएं हमारे लिए उसमें पुरुषों और महिलाओं में कोई भी भेदभाव किया नहीं जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। तीनों सेनाओं में हमारे वायुसेना है, नेवी सेना है और आर्मी है, तीनों सेनाओं में महिलाएं नियुक्त की जाती है। राष्ट्रीय कक्षा क्षमताओं में वृद्धों के लिए, वृद्धि के लिए महिला उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणीय उपकरणों का पर कार्य कर भी अपना सहयोग देती है। और राष्ट्रीय कक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिला राष्ट्रीय कक्षा और राष्ट्रीय लेवल पर जो कार्य होते हैं उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर और आगे रहकर कार्य कर रही है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर जब अब्दुल कलाम जोधपुर गए थे, वहां पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे के द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? उसका प्रश्न है, अति विशिष्ट कोई बड़ा व्यक्ति हो उसके दौरे पर मतलब आने जाने के लिए, उसके रहने के लिए जो खर्च होता है उस पर हम कटौती नहीं कर सकते? डॉक्टर कलाम का जवाब है, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी? उसने कहा है, ये मंच पर एक बड़ी कुर्सी आपने देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है, वो कुर्सी यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादन चीजों पर होने हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे, मतलब कि बड़े मंच पर एक बड़ी कुर्सी रखती है तो अभी वो यहाँ पे ही नहीं, उस तरह अनावश्यक खर्च है उस पर पैसे नहीं बिगाड़े जाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, एक पाठ मैंने पूरा बता दिया और आगे का जो पाठ है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। नमस्ते।